बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन। स्पेशल रिपोर्ट का आज का शुमारा लेकर मैं आपका मेज़बान आपकी खदमत में हाजिर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की हाउस डिटेंशन के हवाले से। महबूबा मुफ्ती जो हाउस अरेस्ट है, जिसको घर में नज़रबंद रखा गया है, और उस हवाले से कई पॉलिटिकल लीडरान ने नेशनल कॉन्फ्रेंस से लेकर पीडीपी ने सरकार से गुजारिश की थी कि उनको रिहा किया जाए, और मुतालबा किया था कि महबूबा जिस तरह बाकी लीडरान को रिहा किया जाए, उसी तरह महबूबा मुफ्ती को भी रिहा किया जाए, मगर आज तक उनकी रिहाई नहीं हो पाई है। इस हवाले से महबूबा मुफ्ती की साहबजादी इल्तिजा मुफ्ती ने सुप्रीम कोर्ट का रास्ता इख्तियार किया और सुप्रीम कोर्ट चली गई। आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर समाअत हुई और वहाँ पर तफसीलन जो जज साहिबान हैं उन्होंने इस मामले को सुना। क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट में हुआ, क्या कुछ वहाँ से फैसला आया, क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट से कहा, इस पूरे मामले पर हम बात करेंगे। बात करने के लिए मेरे साथ सीनियर साथी हिलाल हांजूरी इसी मुद्दे पर मेरे साथ मौजूद रहेंगे। हिलाल, सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत हुई महबूबा मुफ्ती की रिहाई के हवाले से, क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट में हुआ, और जिस तरह इल्तिजा मुफ्ती ने बार बार कहा था कि उनको माँ से मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, इस पर कोर्ट ने क्या कहा? देखिए, मैं समझता हूँ कि पीडीपी के लिए एक ब्रेक थ्रू आज जो है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मिला है, क्योंकि दो तीन चीज़ों पर सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से वजाहत चाही। एक तो जो इल्तिजा मुफ्ती, जो कि महबूबा मुफ्ती की बेटी है और उसके साथ साथ जो उनका भाई है महबूबा मुफ्ती का, उन्हें इजाज़त दी गई है कि वो अपनी माँ से मिल सकते हैं, क्योंकि इस पिटिशन में इल्तिजा मुफ्ती ने यह दरख्वास्त की थी ऑनरेबल कोर्ट से कि उन्हें अपनी माँ से मिलने की इजाज़त दी जाए और जो घर के खाना है उन्हें भी उनसे मिलने की इजाजत जाए। उस पर ऑनरेबल कोर्ट ने उन्हें इजाजत दी है और गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से कहा गया है कि वो उन्हें ना रोकें अपनी मां से मिलने के लिए। दूसरी बात इसमें काफी अहम है, क्योंकि महबूबा मुफ्ती के बारे में यही कहा जाता है कि उन्हें एहतियाती तौर पर जो है पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत बंद किया गया है, क्योंकि गवर्नमेंट को यह खदशात है कि 370 को लेकर कहीं वो लोगों को मोबिलाइज ना करे जम्मू कश्मीर के अंदर, जिससे लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम जो है क्रिएट हो सकती है। और इस मामले का संजीदा नोट्स लेते हुए ऑनरेबल कोर्ट ने जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन को यह कहा है कि महबूबा मुफ्ती को पाबंद सलासर रखना या उसे डिटेंशन में रखना यह कोई हल नहीं है, बल्कि इसके लिए अल्टरनेट ढूंढा जाए, उसके लिए मुतबादल ढूंढा जाए। और इस हवाले से तुषार मेहता, जो कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है, उनकी जानिब से भी इंटरवीन किया गया और उन्होंने सरकार ऑनरेबल कोर्ट से कहा है कि वो कोई इस पर फैसला ना ले, बल्कि उन्होंने कुछ तजावीज रखी हैं और अपनी तरफ से भी उन्होंने गवर्नमेंट का पक्ष वहां पर रखा कि जम्मू कश्मीर की सूरत हाल कैसी है, ये काफी वोलेटाइल है हालात के लिहाज से। तो इस वजह से उन्होंने वो दलाइल वहां पर रखी, लेकिन ऑनरेबल कोर्ट ने तुषार मेहता से कहा है कि दो हफ्ते का टाइम है और दो हफ्ते के अंदर अंदर ऑनरेबल कोर्ट को ये बताया जाए कि वो महबूबा मुफ्ती को लेकर क्या कुछ करने जा रहे हैं, क्या अल्टरनेट मेजर्स है जो वो उठा सकते हैं। और इस हवाले से 15 अक्टूबर की तारीख जो है वो फिर से इस केस की सुनवाई होगी, उस केस की जो है डेट रखी गई है, और अब देखने वाली बात होगी कि जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन इस पहलू को किस नजर से देखते हैं और जो कोर्ट के आदेश है उसको वो किस तरह से यहां रेस्पॉन्ड करते हैं। हिलाल, क्या ये मुतवक्का है कि 15 अक्टूबर के बाद कभी भी महबूबा मुफ्ती की रिहाई हो सकती है? जिस तरह कोर्ट ने आज जो एडमिनिस्ट्रेशन को कहा कि आप इस तरह इनको बंद नहीं रख सकते हैं, जैसे आपने एतराजात खड़े किए, इन एतराजात की वजह से आप इसको हाउस डिटेंशन में नहीं रख सकते हैं? देखिए, ऐसा लग रहा है कि शायद महबूबा मुफ्ती के लिए जो रिहा होने के दरवाजे खुल रहे हैं जिस तरह से पिटिशन दायर हुई है, और इससे पहले हमने उमर अब्दुल्ला और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बारे में भी यही चीजें देखने को मिली है कि उन्हें भी इसी पैटर्न पे रिहा किया गया है। हाँ, महबूबा मुफ्ती की जानिब से काफी लेट ये पिटिशन जो है सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। नतीजा ये हुआ कि उनके रिहा होने में डिले हो सकता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के पास कोई कंक्रीट ग्राउंड भी अभी तक नजर नहीं आ रहा कि जिसके बल पर आज जो कोर्ट की जानिब से जो डायरेक्टिव जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को चला गया है थ्रू तुषार मेहता, तो उस पर भी अभी तक कोई कंस्ट्रक्टिव पार्ट जो है गवर्नमेंट कोई प्ले नहीं कर पाई है। तो इस तरह से ऐसा लग रहा है कि शायद जो है आइंदा वक्त में या 15 अक्टूबर के बाद उनकी रिहाई के हवाले से जो माहौल है या जो राय है वो साजगार हो सकती है, लेकिन फिर भी इट इज अप टू द जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन कि वो कैसे इस मामले को डील करे और क्या लॉजिक्स इस सारी सूरत हाल के हवाले से देंगे। और जो ऑल्टरनेट सरकार ने ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है कि मुतबादल रास्ता ढूंढा जाए बजाय कि उन्हें गिरफ्तार या डिटेंशन में रखा जाए, तो उस पर देखने वाली बात होगी कि वो मुतबादल सरकार की जानिब से क्या कुछ पेश किया जा सकता है। हिलाल, हमने ये भी देखा कि जो गुटखा डिक्लेरेशन के जो पार्ट है,
जो हिस्सेदार है, बार बार उन्होंने बात की कि महबूबा मुफ्ती की रिहाई हो, चाहे हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त फारूक अब्दुल्ला की बात करें, उमर अब्दुल्ला की बात करें, अब सजाद लोन की बात करें, कहीं ना कहीं गुपका डिक्लेरेशन के हवाले से महबूबा मुफ्ती का बाहर आना, यहाँ के जो बाकी पॉलिटिकल लीडर्स वो उसी वक्त का इंतजार कर रहे हैं, तभी हम देख सकते हैं कि क्या कुछ लाए अमल मुरतब हो सकता है गुपका डिक्लेरेशन के हवाले से। बिल्कुल, ये काफ़ी अहम डिसीजन होगा कि अगर ऑनरेबल कोर्ट महबूबा मुफ्ती की रिहाई का फैसला लेती है किसी भी वक्त पर, तो उसके बाद ही गुपका डिक्लेरेशन एक्टिव हो जाएगा। अभी भी वो एक्टिव है लेकिन उस पर कोई पेशरफ नहीं हो रही है। इसमें कोई शक नहीं कि अहम सेक्रेटरी जो गुपका डिक्लेरेशन के हैं वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला है, उन्होंने भी कहा है कि उनका मेन मोटिव है और आइंदा भी अगर कोई सियासत चलानी है तो उसमें जो प्राइम फोकस रहेगा वो गुपका डिक्लेरेशन है। बार बार डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में अब कोई सियासत ही नहीं है सिवाय कि यूनाइट हो जाए जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। तो अगर उसमें कोई पेशरफ्त होती है और अगर उसमें महबूबा मुफ्ती का पार्ट जो देखा जाए वो काफी अहमियत का हामिल है, क्योंकि महबूबा मुफ्ती को बाकी लीडर के मुकाबले में काफी सेंसिटिव भी तस्वीर किया जाता है, इस लिहाज से भी कि काफी जो है जज्बाती सियासत की वो माहिर है, क्राउड पुलर भी उन्हें तस्वीर किया जाता है और लोगों में एक इस तरह की पहचान है कि महबूबा मुफ्ती कोई भी बयान देने से कतराती नहीं है, जिसको लेकर उन्हें पाबंदी सलासल भी रखा गया है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि जब भी महबूबा मुफ्ती को रिहा किया जाता है तो उसके बाद गुपका डिक्लेरेशन पर किस तरह की पेशरफ्त होती है और जो आइंदा होने वाले चुनाव होंगे उस पर क्या डिसीजन लिया जा सकता है। इसमें भी जो मुख्तलिफ माहिरीन का मानना है कि फिल वक्त तक जो नजर आ रहा है कि 370 की वापसी का अगर कोई हल है तो दो ही चीजें हैं, एक तो मुल्क का पार्लियामेंट जो कि सबसे बड़ा आह्वान है और वहां से जब तक बीजेपी बरसर इकदार है तब तक कोई भी जो है ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है कि उसको रोल बैक किया जा सकता है, लेकिन दूसरा जो ऑनरेबल कोर्ट है तो वो एक ऑप्शन है जो कानूनी और आईनी तौर पर कहा जा सकता है कि वहां से इसका जो हल है या 370 की वापसी का जो कोई ऑप्शन बच सकता है। लेकिन उसमें भी अगर जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे कोई प्रेशर क्रिएट करने में कामयाब होती है, ठीक उस तरह से जिस तरह से लद्दाख के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज यूनाइट हुई है और उन्होंने जो इलेक्शन है उनका बायकॉट किया था, उसके बाद मरकजी सरकार को एक बार फिर झुकना पड़ा और उन्हें कहना पड़ा कि हाँ जो आपके राइट हैं, जो आपकी आइडेंटिटी है, जो आपके आईनी तहफ़ुज़ात है वो आपको फराम किया जा सकता है, वो एक पैटर्न बन सकता है जम्मू कश्मीर पॉलिटिकल पार्टीज के लिए और ऐसा लग रहा है कि उसी लाइन को वो भी टो करेंगे और आइंदा की अपनी पॉलिटिकल हिकमत अमली जो है उस पर कारबंद हो जाएंगे। चलिए हिलाल, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बात हो रही है महबूबा मुफ्ती की रिहाई के हवाले से, आज कोर्ट में समाप्त हुई, वहां पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से जवाब मांगा कि क्यों महबूबा मुफ्ती को हाउस डिटेंशन में रखा गया है, इस मामले पर बात हुई और 15 अक्टूबर का वक्त दिया गया है कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन अपनी पूरी पॉलिसी लेकर क्लियरली सामने आ जाए। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में अब हम बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना। साल 2015 से यह स्कीम शुरू हो गई थी और इस स्कीम के तहत सरकार ने फैसला लिया था उन गरीब लोगों को घर बनाने का जिनके पास घर नहीं है, जो काफी गरीब है, और इसके तहत अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में हर एक अजला में इसके तहत काम हो रहा है और जिला बडगाम की अगर हम बात करें, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो बडगाम है उन्होंने बात की इस हवाले से, उन्होंने कहा कि बडगाम में भी तकरीबन 911 केसेस जो है वो देखे गए जिस सर्वे के तहत जो सामने लाए गए थे, उसमें कुछ जो लोग हैं उनको मकान बनाए भी गए हैं, उनको इंस्टॉलमेंट जो पैसा वो वागुजार किया भी गया है। और क्या इस स्कीम के तहत होने वाला है, कितने लोगों को पूरी तरह इस स्कीम के तहत लाना है, इस पर हमारे साथी मोहम्मद अशरफ डार ने बात की एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बडगाम अनीस अहमद चौधरी से। क्या कहना है अनीस चौधरी का, आए आपकी नजर करते हैं। तो जो हमारा अभी तक जो ब्रेकअप हमारा है, अभी तक जो हमारे बड़गाम टाउन में जो बेनिफिशियरी हुई थी 619, लेकिन उसमें जब हमने एक रिवेरिफिकेशन की डेटा अर्बन लोकल वारिस के अहकाम के मुताबिक, तो उसमें हमें कुछ 94 के करीब ऐसे केस मिले जो कि टाउन से बाहर आ रहे हैं। लेकिन जो हमारा बड़गाम टाउन है, बड़गाम एरिया, टाउन की बात ही कर रहा हूँ क्योंकि जो मास्टर प्लान श्रीनगर 2035 अभी 19 में हुआ है, तो उसमें उन्होंने एलिजिबिलिटी रखी है कि जितने म्यूनसिपल मास्टर प्लान के लिंक्स के अंदर आएंगे तो वो भी एलिजिबल है इस स्कीम में अर्बन में। तो इसमें कुछ पाटवाव के भी है, कुछ छिगाम के भी है, कुछ मामद के भी है, कुछ पावर साइड के भी है, तो वो लगभग जो हमने वेरिफिकेशन की है वो 94 केस ऐसे है जिन्होंने भी पैसा लिया है फ्रॉम हाउसिंग डिपार्टमेंट, लेकिन वो हमारे टाउन के अंडर नहीं आते हैं। मैं आपको ब्रेकअप दे दूंगा कि आपको पता है कि 181 ऐसे बेनिफिशरीज है जिन्होंने पहला इंस्टॉलमेंट लिया है एट द रेट ऑफ 41,666, तो उस पर 75 लाख हाउसिंग बोर्ड ने डिसबर्स किया है इनके बेनिफिशरीज के फेवर में, और ऐसे 63 केस ऐसे हैं जिनको भी यही सेम अमाउंट
41,000 Section 60 दिया है तो उनका सेकंड इंस्टॉलमेंट रिलीज हुआ है, तो 52 लाख वो भी हुआ है रिलीज अभी तक। तो 52 केस ऐसे हैं जिन्होंने फाउंडेशन लेंटर प्लस स्लैब कंप्लीट किया है, तो अभी तक उन्होंने 68 लाख डिसबर्स किया है और उन्होंने टोटल अभी तक लिया है 1,33,000 अभी तक। और 4 केस ऐसे हैं जिन्होंने कंप्लीट अपने अपने जो उनके रेजिडेंशियल हाउसेस थे वो कंप्लीट किए हैं, तो अभी तक उन्होंने 1,66,000 के हिसाब से पैसा पूरा लिया है। नाज़रीन आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में अब हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्टर्स के हवाले से। कॉन्ट्रैक्टर्स ने एहतजाज किया और काफी टाइम से वो एहतजाज कर रहे हैं और सरकार के पास जो उनका पैसा है करोड़ों रुपया का मामला है वो सरकार ने उनको नहीं दिया है, और इस हवाले से कॉन्ट्रैक्टर्स ने सरकार से गुजारिश की और कई बार एहतजाज भी किया कि उन्होंने जो काम किए हैं, उन्होंने जो कंस्ट्रक्शन पार्ट में हिस्सा लिया उनका पैसा वागुजार नहीं किया गया। साल 2014 से बात करें जब सैलाब आया था उसके बाद पूरे श्रीनगर को या मुख्तलिफ अजला को अपनी सिमत में वापस लाने के लिए और उस हालात से बाहर निकालने के लिए सरकार के साथ साथ ठेकेदारान ने काम किया और कंस्ट्रक्शन पार्ट में हिस्सा लिया था, जिसकी वजह से यहाँ का जो निज़ाम है वो बेहतर हो सका, मगर पैसा ठेकेदारान को वागुजार नहीं हुआ है। एहतजाज भी हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, अब सरकार ने फैसला लिया है कि 5 रुकनी कमेटी तश्कील दी जाएगी जो रिपोर्ट पेश करेगी सरकार को, एक तो कॉन्ट्रैक्टर्स के जो रुकूमात हैं उस हवाले से, और दूसरा जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स यहाँ पर हाथ में लिए गए हैं कंस्ट्रक्शन के हवाले से, उनको पाई तक मिल तक क्यों नहीं पहुँचाया गया, इस हवाले से भी एक कमेटी रिपोर्ट पेश करेगी। कॉन्ट्रैक्टर्स ने खुशी का इजहार किया, उन्होंने कहा कि इस सरकार के इस फैसले की सराहना की और उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं अब ठेकेदारान की जो डिमांड है वो पूरी हो जाएगी। सेंट्रल कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो प्रेसिडेंट है फारूक अहमद डार ने हमारे साथी फिरदौस अहमद से इस हवाले से बात की, क्या कहना है फारूक अहमद डार का, आइए आपकी नज़र करते हैं। एक्चुअली मेरे ख्याल से कदम अच्छा है गवर्नर इंतजामिया की साइड से, क्योंकि पिछले 2.5 सालों से हमारी एक डिमांड थी जो हमारी आउटस्टैंडिंग है लायबिलिटी के हवाले से कम 500 करोड़ के करीब, जो 2014 से लेके आज तक लायबिलिटी पेंडिंग है। मुख्तलिफ प्रिंट मीडिया में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हमने ये डिमांड की यहाँ की इंतज़ामिया को आप ये पैसा रिलीज़ कीजिए ताकि फाइनेंशियली साउंड हो जाएगा हमारा ठेकेदार साहिबान, उसमें उसके बाद वो टेंडर पार्टिसिपेशन में भी जा सकता है, डेवलपमेंट पर भी जा सकता है। मगर आज हमें सुनने में आया गवर्नर इंतज़ामिया की तरफ से जो कदम उठाया गया इस लायबिलिटी के हवाले से, गवर्नर इंतज़ामिया ने 5 रुकनी कमेटी बनाई कश्मीर में ताकि 15 सितंबर तक वो अपना रिपोर्ट सबमिट करेंगे, जितने भी यहाँ पर डेवलपमेंट वर्क हुए हैं, जितनी भी आउटस्टैंडिंग है यहाँ पर, उसके हवाले से उनको ये रिपोर्ट सबमिट करना है। मेरे ख्याल से अच्छा कदम है इंतज़ामिया की तरफ से, क्योंकि हमें ये एक्सपेक्टेशन इससे पहले थी ये मसला उठाएगा सरकार यहाँ पर, ताकि जितनी भी हमारी लायबिलिटी है वो रिलीज़ हो सकेगी। ये अच्छा कदम है सरकार की तरफ से, मेरे ख्याल से देर आया दुरुस्त आया, कदम ठीक है। मगर अगर ये कदम उठाया गया सरकार की तरफ से, ये कमेटी बन गई, मेरे ख्याल से इसमें कुछ मकसद निकलना चाहिए 10 दिन के बाद या 15 दिन के बाद या 20 दिन के बाद कोई मकसद आगे आना चाहिए, ताकि जितनी भी हमारी आउटस्टैंडिंग है वो आउटस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी इससे, और हम डेवलपमेंट में भी जा सकते हैं, हम टेंडर पार्टिसिपेशन में भी जा सकते हैं। फ़ायदा तो है ठेकेदार साहिबानों को, दोनों साइड से फ़ायदा है, सरकार का भी फ़ायदा है, गवर्नमेंट का भी, ठेकेदारों का भी फ़ायदा है, उसके साथ साथ ये यहाँ के लोगों का भी फ़ायदा है, क्योंकि अगर यहाँ पर डेवलपमेंट हो जाएगी, जितने भी बड़े प्रोजेक्ट पेंडिंग है इस वक्त, उसमें एक ही वजह था क्योंकि एलोकेशन अवेलेबल नहीं थी उन प्रोजेक्टों में, ताकि वो प्रोजेक्ट अभी तक पेंडिंग रह गए, क्योंकि जो उनका टारगेट था DPR के हवाले से, उनको 2 साल में कंप्लीट होना था उन प्रोजेक्टों को, मगर बदकिस्मती की बात है अभी तक 5 साल किसी प्रोजेक्ट को हुए, किसी प्रोजेक्ट को 4 साल हुए, किसी प्रोजेक्ट को 7 साल हुए, मगर वजह यही था क्योंकि उन प्रोजेक्टों में पैसा अवेलेबल नहीं था, इसीलिए वो प्रोजेक्ट पेंडिंग रहे। अगर मेरे ख्याल से यहाँ की LG सरकार सीरियस होगी, उसके बाद जो ये कमेटी बनने के बाद जो रिपोर्ट सबमिट हो जाएगा, मेरे ख्याल से LG सरकार को करना चाहिए एक उन प्रोजेक्टों के हवाले से पैसा रिलीज़ होना चाहिए, ताकि वो प्रोजेक्ट फिर यहाँ पर रवान दवा रहेगा, उसके साथ साथ जितनी भी लायबिलिटी है ठेकेदार साहिबानों को 2014 से लेके आज तक वो लायबिलिटी क्लियर हो जाएगी, उसके बाद मेरे ख्याल से शायद मद से जाएगा यहाँ का ठेकेदार साहिब। नाज़रीन आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में अब हम बात करेंगे मार्केट के हवाले से, गिरा फरोशी के हवाले से, जहां एक तरफ
कोविड-19 या हम कह सकते हैं अगस्त 2019 से यहाँ की अगर मार्केट की हम बात करें तो ज़्यादातर मार्केट यहाँ पे बंद रहे, फिर कोविड की वजह से भी बंद रहे। अब जब सरकार ने अनलॉक कर दिया, अनलॉक में मार्केट्स यहाँ के खुले, मगर गिरा फरोशी जो है वो अरूज पे हैं, रेट्स काफ़ी ज़्यादा हाई हुई है और मॉनिटरिंग करने वाला कोई नहीं है। सब्जियों की रेट की हम बात करें, मेवा जात के रेट की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा रेट्स लगाई गई है, आसमान को रेट्स छू रही है। मीट की हम बात करें, अगर सरकार ने 450 रुपये फी किलो गोश्त जो खरीदने की बात की है, वो कहीं मार्केट में, वो कहीं दुकान पे, वो कहीं ग्राउंड पे कहीं इम्प्लीमेंट नहीं है। 600 रुपये जो है वो मीट भेजा जा रहा है। तो इस हवाले से सरकार ने अगरचे कई बार अपने ऐलानात भी किए हैं, उन्होंने प्रेस नोट्स जारी किए हैं, मगर ज़मीनी सतह पे इन चीज़ों को कोई देख रेख करने वाला नहीं होता है। अगरचे डिपार्टमेंट बनाया गया है, फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट जो इनकी मॉनिटरिंग कर रहा है, मगर दो टाइम हम देख रहे हैं कि ये डिपार्टमेंट ज़रूर सड़क पे आके काम कर रहा है। जब ईदें यहाँ पे होती हैं, बड़े त्यौहार यहाँ पे होते हैं, तब ये जो डिपार्टमेंट है सड़क पे आके मार्केट चेक करता है, बाकी साल तो ये कहीं नज़र नहीं आ रहे। लोगों ने इस हवाले से शिकायत की, मेरे साथी इरफान फाजिल के साथ कई लोगों ने इस हवाले से बात की कि मार्केट में कोई देख रेख करने वाला नहीं है। प्याज की जो रेट है, आलू की रेट, साग की रेट, मीट की रेट, हर एक की रेट आसमान को छू रही है, मगर उसकी कोई देख रेख करने वाला नहीं है। इस साल जो बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई, ये सब जानते हैं, उस वजह से हमारे जितने भी सीड्स लगते हैं, क्योंकि जी ड्राइनेस की वजह से पूरा मतलब 70% सीड्स खराब हो गए, 30% ही प्रोडक्शन हमारे पास आ गई, तो उस वजह से रेट्स इसीलिए बढ़ गए। वरना जो आप देख लीजिए, जून जुलाई तक हमारी मूली 5-6 रुपये 10 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा बिकती थी, ये 50 रुपये के पार पर, क्योंकि आती नहीं थी। हमारे पास अगर 10 टन का डिमांड होता था तो 1 टन ज़्यादा से ज़्यादा आता था। से अगर गवर्नमेंट के एंड से बात करें, डिपार्टमेंट के एंड से बात करें, तो क्या आपके कुछ मुतालबात सरकार तक पहुँचे, जिसमें आपने सीड्स को लेकर बात की, मैन्युफैक्चरिंग को लेकर बात की, या कुछ कंपनसेशन के मामला अगर देखा जाए, या उनकी तरफ से कोई ऐसी टीम या जिस पर आपका वर्कशॉप हुआ कि बताया कि कैसे तादाद बढ़ सकती है, कैसे प्रोडक्शन हो सकती है ज़्यादा, कैसे बेटर क्वांटिटी और क्वालिटी? जी देखिए, ये तो हमेशा से ऐसा होता रहता है कि जब भी मतलब ऐसी वेदर कंडीशंस या मतलब रोड ब्लॉक के या कुछ ऐसी चीज़ें होती है, या मतलब समझ लीजिए लॉकडाउन था, इस वजह से लेबर्स भी, एक तो ये भी हो गया लेबर्स भी अवेलेबल नहीं थे, उस वजह से कुछ फार्मर्स बेचारे थे, मतलब वो सीड्स नहीं लगा पाए। दूसरी, गवर्नमेंट से तो मतलब हमेशा ऐसी बातें होती रहती है, उनकी टीम्स भी कभी कभार तो आती है, लेकिन मसला ये हो गया कि इस बार ये सबको, एक तो वेदर कंडीशन, दूसरा लॉकडाउन, और गवर्नमेंट से हमने मतलब फार्मर्स की टीमें गई हैं गवर्नमेंट के पास, कंपनसेट करो इतना, मतलब हाँ लॉस काफी हो गया फार्मर्स को, तो मतलब वो हो गया है, लेकिन अभी तक कुछ गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्टेप लिया नहीं गया। वादी कश्मीर में सब्जियों के दाम सर चढ़ के बोल रहे हैं, और साथ ही साथ बात करें सब्जी मंडी का भी हाल बेहाल है। यहाँ के व्यापारियों का यह मानना है कि एक साइड से देखा जाए जो बीज है वो सही नहीं मिल रहा है, उसकी तादाद सही नहीं है, और खास तौर पे कोई गाइड करने वाला है नहीं, डिपार्टमेंट के एंड से बहुत कम कोऑपरेशन मिल रही है, और उनका यह भी मानना है कि मौसम की मार की वजह से सब्जियों के दाम काफी ज्यादा बढ़े, और अब इनका यह भी मानना है कि आने वाले टाइम में जिस तरीके से मौसम की हालत और साथ ही साथ जी हाँ जमीन की हालत ठीक होगी, उसी तरीके से पैदावार बढ़ेगी और सब्जियों के दाम भी कम होंगे। विद वीडियो जर्नलिस्ट आबिद कादिर के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में अब हम बात करेंगे फिट इंडिया मूवमेंट के तहत कुलगाम में आज एक दौड़ रेस का मुकाबला किया गया और एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में स्कूली बच्चों के साथ साथ असातिज़ा और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने हिस्सा लिया। इस मौके पर जिला तरक्याती कमिश्नर कुलगाम ने मीडिया से बात करते हुए इस प्रोग्राम के हवाले से बात की कि कितना फ़ायदेमंद ये प्रोग्राम हो सकता है स्टूडेंट्स के लिए, नौजवानों के लिए। क्या कुछ कहना है डीसी कुलगाम का, आपकी नज़र करते हैं। एक फिट रन मना रहे जा रहे हैं, और आपने देखा कि करीबन 250 पार्टिसिपेंट्स है, जिसमें हमारे NYC वॉलंटियर्स हैं, स्पोर्ट्स फैकल्टी के टीचर्स हैं, और इसके साथ ही हमारे स्कूलों के बच्चे भी हैं जो इस मोमेंट में हिस्सा ले रहे हैं, जिसका फिट इंडिया फ्रीडम रन के नाम से मंसूब है। इसका मतलब यह है कि ये जो हमारे बच्चे हैं, और फिट इंसान की सेहत को पॉजिटिव चैनलाइज करने के लिए, एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए एक बड़ी मोमेंट चल रही है, और डिस्ट्रिक्ट, इस डिस्ट्रिक्ट में बाकी डिस्ट्रिक्टों की तरह भी ये शायान शान तरीके से मनाया जा रहा है। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में अब हम बात करेंगे हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री के हवाले से। अगर बात करें तो काफ़ी सालों से इस इंडस्ट्री में जो भी लोग जुड़े हैं वो काफ़ी मुश्किलात के शिकार है। एक तो पूरी तरह जो मेवा जात की हम बात करें, सही मानों में वो मेवा नहीं मिल रहा है, कई मामलात हैं, इनको पेस्टिसाइड के मामलात हैं,
और भी उस सरकार के हवाले से ये भी मामला है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने या डिपार्टमेंट ने पूरी तरह ग्रोवर्स की तरफ या बाग मालिकों की तरफ तवज्जो नहीं दी, जो लोगों ने कई बार इल्ज़ाम लगाए। अब मामला ये सामने आ रहा है कि सोपोर की फ्रूट मंडी में, वहाँ से जो फ्रूट मंडी में काम कर रहे लोग हैं, जो ग्रोवर्स हैं या ड्राइवर्स हैं, वो एहतजाज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिला वजह उनको कई मकामात पे नेशनल हाईवे पे रोका जा रहा है। एक तो जो उनका मेवा होता है वो ख़राब होता है, और दूसरा उनको बड़ी मुश्किलात होती हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने में। कई बार अगर से ये एडमिनिस्ट्रेशन की नोटिस में बात लाई गई थी, मगर इस पे कोई पुरसान हाल नहीं हुआ है। मेवा ख़राब होता है क्योंकि कई टाइम उनकी गाड़ियाँ साइड में रोकी जाती हैं और उनको आगे जाने की इजाज़त नहीं दी जाती, जिससे उनको नुकसान हो रहा है। और वो नुकसान बज़ाहिर अगर हम कह सकते हैं कि ड्राइवर के साथ साथ फूड जो ग्रोवर्स हैं और बाग मालकान हैं, सबको हो रहा है। तो इस मामले को सरकार को संजीदगी से लेना चाहिए, क्योंकि कई ये हसास मामला है, क्योंकि इस जो मेवा है इसकी जो उम्र होती है वो काफ़ी कम होती है। अगर ये डब्बे में रहेगा, गाड़ी में रहेगा और गाड़ी साइड में एक दो दिन रह सकती है, तो ये मेवा पूरी तरह मंडी तक नहीं पहुँच पाएगा, ये मामला है। अब लोगों ने इस हवाले से शिकायत की और हमारे साथी मोहम्मद यूनुस से वहाँ के लोगों ने बात की, इस हवाले से क्या कहना है लोगों का, आइए आपकी नज़र करते हैं। ये प्रोटेस्ट था क्योंकि आपको पता है कि ये फ्रूट इंडस्ट्री बैकबोन है कश्मीर वैली की। अभी अगर 30 सालों में अगर जिंदा रखा है कश्मीर को, J&K को, तो वो ये फ्रूट इंडस्ट्री है, जिसके साथ करीबन 12 लाख फैमिली, करीबन 40 लाख लोग इस फ्रूट इंडस्ट्री से वाबस्ता है। लेकिन पिछले 5 सालों से बदकिस्मत जो नेशनल हाईवे की वजह से पिछले 4-5 सालों से कंटिन्यूसली इसको बैक वक्त रोका जाता है, और सीजन में ही करीबन जब फ्रूट का सीजन होता है ये 4-5 हज़ार ट्रकें जमा करते हैं, उसके बाद छोड़ते हैं, जिससे मार्केट में बहुत खराबी हो जाती है और मार्केट हमको सही नहीं मिलता है, जिसकी वजह से हमको सेब पर बहुत बुरा असर पड़ जाता है। मैं आपकी वसादत से गवर्नमेंट को यही कहना चाहता हूं कि नेशनल हाईवे को किसी भी सूरत में, यह फ्रेश फ्रूट है, इस ट्रक को किसी भी जगह ना रोका जाए, उसको थ्रो किया जाए आगे। इसका जो प्रोटेस्ट था उसका मेन मकसद था, हमारी जो फ्रूट की गाड़ियाँ लोअर मुंडा में रोकी जाती है 5-5, 6-6 दिन के बाद उनको छोड़ दिया जाता है, और ये इकट्ठी मंडियों में पहुंचकर पूरा मार्केट हमारा ख़राब हो जाता है, और कुछ माल ऐसे भी हैं जो फेंकने पड़ते हैं। सितंबर अक्टूबर जो हमारा पीक सीज़न आते ही पिछले 5 सालों में ये देखा गया है कि ये स्ट्रेटजिकली रोड को ब्लॉक किया जाता है और हमारी इकोनॉमी जो है उसको तबाह बर्बाद किया जाता है। इसका मेन जो असर है वो सीधे ग्रोवर पे पड़ जाता है और ग्रोवर के पेट पे लात मारी जाती है। हम गवर्नमेंट इंतजामिया से, आपकी चैनल की वसादत से इल्तिमास करते हैं कि आने वाले दिनों में ऐसा न किया जाए, क्योंकि हमारी जो गाड़ियाँ हैं उनको थ्रू किया जाए, फ्रेश फ्रूट को कहीं पर भी रोका जाए, हम तवक्को रहे। नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। आज के स्पेशल रिपोर्ट से मुझे, मेरी पूरी टीम के साथ, मेरे कैमरा पर्सन समीर वानी, मेरे ऑनलाइन एडिटर खालिद मुश्ताक के साथ दीजिए इजाजत। इस वादे के साथ आप अपना ख्याल रखेंगे, हमें दुआओं में याद रखेंगे।